नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश प्रदेश में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। आज का ये जो विषय है उस समस्या से जुड़ा हुआ है और विषय भी काफ़ी गंभीर है और गंभीर के साथ अगर इसे अति गंभीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी हम कोविड से लड़ करके थोड़ा थोड़ा उबर ही रहे थे कि अब एक नई समस्या हम सबके सामने खड़ी हो गई है और उस समस्या का नाम है मंकी पॉक्स। उत्तर प्रदेश के औरैया में भी मंकी पॉक्स से जुड़ा हुआ एक संदिग्ध मामला निकल कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला काफ़ी दिनों से बीमार थी, वो अपना इलाज करा रही थी और इलाज के बाद आज जब फिर से वो डॉक्टर को दिखाने पहुंची तो ये पता चला कि उसके लक्षण कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मंकी पॉक्स से मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद उसका सैंपल ले लिया गया और सैंपल लेकर के उसे KGMU के लिए भेज दिया गया है। 3 दिन में उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी। महिला के पूरे परिवार की जो सैंपल है वो भी लिया गया है और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस महिला के अंदर ये लक्षण दिखाई दिए हैं वो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक खुद को बचा करके यानी आइसोलेट करके रखे, वो किसी के भी संपर्क में ना आए। ये महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, ये कोई कहीं किसी विदेश से भी नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद इसके जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स से जुड़े हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर बताया जाए तो मंकी पॉक्स पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार इसके जो केसेस हैं वो अब देश में बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी एक केस जो है मंकी पॉक्स का वो निकल कर सामने आया है और उसके बाद दिल्ली की सरकार भी पूरी तरह से चेत गई है कि इस समस्या से कैसे लड़ना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि मंकी पॉक्स के और उससे लड़ने के लिए जितने भी इंतजाम हैं वो सारे इंतजाम करने बहुत ज़रूरी हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक्सरसाइज पहले ही कोविड में हो चुकी है, कैसे स्वास्थ्य विभाग को कोविड से लड़ना था वो उसे पता है, लेकिन अब ये एक नई समस्या, क्योंकि कोविड की भी 3 वेरिएंट जो आए थे वो सारे वेरिएंट्स अलग अलग थे और अब ये मंकी पॉक्स की जो समस्या आई है इससे कैसे लड़ना है, कैसे इसको पहचानना है, कैसे ट्रेसिंग करनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है, इसको लेकर के अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग को पूरी हिदायत जो है वो पहले ही दी जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन इसको और कैसे सुचारू रूप से करना है इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करना सरकार को विभाग को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मंकी पॉक्स की बात करी जाए तो मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, मंकी पॉक्स कैसे होता है या मंकी पॉक्स कहाँ से आया, कितने दिनों में ये मंकी पॉक्स प्रभावी हो सकता है, इस मंकी पॉक्स से कितना खतरा है, इन सबको जानना समझना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मंकी पॉक्स होता कैसे है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो कहीं ना कहीं अगर बताए जाएँ तो सिर में दर्द, शरीर में दर्द, आंखें लाल हो जाना, बुखार हो जाना, स्किन की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं ये मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई हैं और इसका जो मोर्टैलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बताया जा रहा है कि जो 10वां मरीज है उसकी मृत्यु होती है, बाकी के जो मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। स्किन से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज़्यादा है और मंकी पॉक्स क्यों लेकर के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब भी आज हम इस डिबेट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मंकी पॉक्स से कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, क्या बचाव है और सरकारें कितनी तैयार हैं। लेकिन उसके पहले अगर मंकी पॉक्स के बारे में जान लें तो थोड़ा सा ऐसा है कि बताया जाता है कि मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून से, पसीने से या उसके घाव से संपर्क में आने पर हो सकता है। अधपका मांस खाने से भी ये हो सकता है या फिर जो संक्रमित पशु हैं उनसे जो उत्पाद बनता है उसके संपर्क में आने से उसे खाने से भी हो सकता है। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर पूरे देश में लागू करने के संकेत भी दिए और ये कहा भी है कि इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर लागू किया जाए। और अगर मंकी पॉक्स की बात करी जाए तो 1958 में सबसे पहले पता चला था कि मंकी पॉक्स नाम की कोई बीमारी है। बंदरों से इसके लक्षण जो हैं वो मिलते हुए बताए गए थे कि पहले ये बंदरों में थी, उसके बाद जो मनुष्य हैं उनमें ये बीमारियाँ फैलने लगी। एक दुर्लभ बीमारी के तौर पर इसे बताया गया है। वायरस से इसका जो संक्रमण है वो फैलता है। 1970 में पहली बार इसका मामला जो था वो आया था और 9 साल के एक बच्चे में इसके जो संक्रमण थे वो मिले थे। कांगो देश जो है वहाँ पर, कांगो जो शहर है वहाँ पर इसका जो मरीज था वो मिला था और 1970 के बाद से अब तक करीब 11 देशों में
ये पूरी तरह से फैल चुका है। लेकिन अब कोविड के बाद इस तरह का ये जो संक्रमण आया है, जिसे हम और आप मंकी पॉक्स के तौर पर, मंकी पॉक्स के नाम से जान रहे हैं, ये कितना प्रभावी है, कितना नुकसान पहुंचा जा सकता है, और इससे बचने के लिए पहले हम क्या प्रिकॉशंस बरतें, सरकार क्या करे क्या ना करे, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। दिस जेंटलमैन वॉज एडमिटेड इन लोकनायक हॉस्पिटल जस्ट टू डेज बैक, एंड व्हेन ही वॉज एडमिटेड ही हैड हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड स्किन रैश, सो टिपिकल लीजन वर रिजेंबलिंग द मंकी पॉक्स, सो वी सस्पेक्टेड हिम टू बी case of monkeypox and we sent the sample from his skin. Skin swab was taken and sent for PCR testing to National Institute of Virology, Pune. And today we got the report that is positive. So it is a confirmed case. ये महिला जो है जवाहर नगर विधुना की रहने वाली है और monkeypox से जो है related उसके जो है sign symptom देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर जिले के द्वारा और जो है हमारी टीम के द्वारा जो है उसकी जांच जो है भेजी गई है और जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा ये केस जो है मंकी पॉक्स का है या किसी और का है। इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स से कैसे बचा जाए, सरकारें इसको लेकर के कैसी तैयारी करें, क्योंकि दिल्ली में केसेस की संख्या निकली है और वहां पर दिल्ली सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी औरैया में एक संदिग्ध मरीज इस समस्या से जुड़ा हुआ निकला है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसी सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर जान लेना समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आलोक सोती साहब हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक अरुण हमारे साथ सीनियर डॉक्टर के रूप में जुड़े हुए हैं, और विज्ञान संचारक के रूप में सुशील द्विवेदी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरुण साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो समस्या है ये अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ केसेस दूसरे दूसरे प्रदेशों में निकले हैं और उत्तर प्रदेश के औरैया में भी एक संदिग्ध मरीज निकला है, क्या कारण है, क्या है मंकी पॉक्स और इस मंकी पॉक्स से कैसे बचा जाए, ये जानने की सबसे अहम जो कोशिश है हमारी और हमारे जो दर्शक हैं उनकी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। होता है एनिमल के फ्लूइड के कांटेक्ट में आने और या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा बॉडी के किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने या संक्रमित जानवर की स्क्रैच या बाइट। डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा रोकूंगा क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आपसे जुड़ता हूँ, तब तक मैं डॉक्टर आलोक सोती साहब के पास चलूंगा। आलोक जी आपको क्या लगता है कि ये समस्या कैसे आई और जो उत्तर प्रदेश और देश के मरीज जो मनुष्य हैं जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ये जो संक्रमण फैल रहा है, क्या कारण है, कैसे इससे बचा जाए? देखिए इसका शुरुआत में देखा गया था इस साल में करीब जो पहला केस आया अभी देखा गया यूके का, उसमें उसकी केस हिस्ट्री देखी गई तो वो नाइजीरिया से आया था और आपने देखा था कि मंकियों के द्वारा जो वायरस का डिसीज होती है वो ज्यादातर आपके अफ्रीका से भी आती है। ऐसे में आपने एड्स का भी नाम सुना होगा, 40 साल पहले आई थी उसका, वो भी एक वायरल इफेक्ट था। तो आप इस समय हम लोग के सामने दिक्कत ये आ रही है कि जो कोरोना वायरस है उसमें आप देख रहे थे एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा था वो एक डर का बड़ा विषय बना था। ऐसे ही यहाँ पे देखा गया कि शुरुआत में 47 देशों में मात्र 3,040 ही केस आए थे, लेकिन अब जो जुलाई अगस्त के आसपास हम लोग जब पहुंचे हैं तो 75 देशों में 16,000 केसेस ऐसे देखने को मिले। साथ में आपने देखा कि केरला में आपको केस मिला जो कि उनकी हिस्ट्री ट्रेवल हिस्ट्री देखी जाए यूएई से थी, उसी तरह अगर दिल्ली में देखा जाए तो उनका कोई खास नहीं था, हिमाचल प्रदेश से आए हुए थे। तो कुल मिला के जैसा कि दत्ता भी बता रहे थे कि हाँ ये वायरस है और बंदरों के द्वारा होता है, आपने पास हिस्ट्री भी अच्छी बताई, 1950 में देखा गया था ये बंदरों के समूह से निकला हुआ है और 1958 में जब डेनमार्क में जो कोपेंगन में एक वायरोलॉजी की लैब थी उसमें जो मंकियों के जो टेस्ट चल रहे थे उनसे जो इरप्शन हुआ तभी से इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया।
तो कुल मिला के ये देखा गया है कि इसमें, जैसे कि आप आम जनता जानती भी है कि कोरोना में हम लोग अगर 2 फीट की दूरी, जो आप कहते थे अगर 2 फीट की दूरी कम हो जाती थी और 15 मिनट कॉन्टेक्ट में रहते थे तो ऐसा होता था, लेकिन इसमें देखा गया है कि 2 फीट की दूरी 3 घंटे तक, अगर आप 3 घंटे तक अगर किसी पेशेंट के साथ में रहते जो कि इस देखने को मिल रही है, तब एक तरीके का ट्रांसमिशन हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये उतना भी विकराल रूप नहीं लिया है, क्योंकि हम लोग जो है दूध का जला छाछ को भी फूट फूट के पीता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये COVID-19 जैसा एक विकराल रूप ना ले ले, जैसा कि आप भी इसको एक इमरजेंसी घोषित भी कर दिया गया है, हेल्थ इमरजेंसी बात नहीं है, तो इस समय सजग रहने की बहुत बात है। और वही जो और आप तो इसको सोती साहब इसको कोविड से भी जोड़कर बताया जा रहा है कि कोविड का ही एक वेरिएंट भी हो सकता है, तो क्या इस बात में सच्चाई है, कैसे माना जाए कि हाँ कोविड का ही वेरिएंट है ये? और दूसरी चीज, कोविड के जो अब तक के वेरिएंट आए थे उसमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो रही थी, लंग्स की दिक्कत ज्यादा हो रही थी, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है? देखिए, इसमें जो है आप स्किन की डिजीज देख रहे हैं वो ज्यादा है, अगर इसके वायरस की जीन्स की स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो वायरस है वेरियोलोला, जो कि आपका जो चिकन पॉक्स होता है ना, उसका जो कैटलिस्ट होता है वेरियोलोला, वो काम कर रहा है। दूसरा, इसमें वैक्सीनिया मिला है, जिसको कि आप कह सकते हैं चेचक के अंदर जो हम लोग वैक्सीनेशन से डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो वायरोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वो चीज दिखाई थी। तो इसका जो जीनोम देखा गया, जीन स्टडी देखी गई, वो चेचक से काफी मिलती हुई है, इसलिए इसको ऐसा डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये कोविड से कोई डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं, इसलिए एक खतरा, बड़ा खतरे के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, तो इसलिए इस बातों का सरकारें बहुत सजग हो गई हैं और इन बातों पर ध्यान रख रही हैं। ठीक सर, मैं आता हूं आपके पास, डॉक्टर अभिषेक अरुण हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, ये नई समस्या जो खड़ी हो गई है, इस समस्या से बचने के लिए सरकारें क्या करें और समस्या का कारण क्या है, आपको क्या लगता है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि सोती साहब ने बहुत अहम चीजें, बहुत अहम जानकारियां दी हैं, आपके अनुसार अगर समझने की कोशिश करी जाए तो और क्या क्या इसको लेकर के बचाव जो है वो किए जा सकते हैं? अभिषेक जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए मैं अभिषेक जी से फिर जुड़ूंगा। सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, आपके नजरिए से देखा जाए तो किस तरह की ये समस्या है, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है और सरकारों को कैसी तैयारी करी जाए? देखिए, जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने अभी बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स फैमिली के वायरस से ताल्लुक रखती है, अर्थात जीनोम सिक्वेंस के द्वारा ये पता किया गया कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पॉक्स वायरस से मिलता जुलता है। अब चूंकि हम और आप लोग वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी से अभी लड़ रहे हैं और उसी स्थान पर कहते हैं ना कि एक तो पहले से ही परेशानी में थे और दूसरी परेशानी हम सबके सामने आई हुई है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें और आपको जो बाहर से विदेशों से आने वाले जो लोग हैं उन पे बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनको अलग से, उनको जो बाहर से लोग आए उनको कुछ दिनों वहाँ रोका जाए, उनका गहन परीक्षण की करके और फिर उनको परमिट किया जाए अंदर देश में आने के लिए। पहले तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से, चूंकि अभी हमारे देश में ऐसा तो है नहीं, ये तो एक्चुअली अफ्रीकन डिजीज है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली डिजीज है और मंकी में ये यूजुअली पाई जाती है। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आज हम और आप लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं मंकी पॉक्स, और आगे आने वाले 10 सालों में हम कई प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शन से लड़ने जा रहे हैं। उसके पीछे एक सीधा सा एक ऐसी कोई कपोल बात नहीं है, ये उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि हम इंसानों ने प्रकृति का बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अब जहाँ पर जंगलों में जीव जंतु और कहते हैं वाइल्ड एनिमल रहते थे, जैसे मंकी हो या जो भी चंगबादर या कोई भी ऐसे एनिमल्स जिनको रहने का स्थान था, वो हम लोगों ने धीरे धीरे खत्म कर दिए। ये भी कहा जा रहा है कि ये उन लोग के ऊपर ज्यादा खतरा है जो जंगलों के आसपास रहते हैं। नहीं नहीं, तो वही बता रहे ना, तो हम लोग नहीं नहीं, जो जंगल में वास्तव में रहते थे तो उनके अंदर तो प्रतिरोधक क्षमता आ ही जाती थी। अच्छा। क्योंकि वो लोग तो उनके साथ बचपन से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे हमारी आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हम बहुत ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। मतलब एक प्रकार का वैज्ञानिक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो एनिमल्स में फैलती हैं
और वो बीमारियां हम और आपको प्रभावित करेंगी। अब एनिमल को उतना ज्यादा नहीं ये करती थी, देखिए मंकी में ये रहता था लेकिन मंकी को ऐसा परेशानी का सबब नहीं बनता था, लेकिन जब यही वायरस अब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के रूप में या किसी भी प्रकार से मेरे आपके शरीर में पहुंच रहा है तो वो हम और आपको परेशानी का सबब बन रहा है। तो अब उसमें भी देखिए कोरोना, जैसे अभी आप एक बात कह रहे थे कि भाई कोरोना वायरस की कहानी दूसरी थी। अच्छा। वो हाईली इन्फेक्शियस वायरस था, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहा था, एयर टू एयर इन्फेक्शन हो रहा था, सरफेस के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा था। यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं, तो इसलिए इतनी तेजी के साथ इसके केस नहीं बढ़ रहे, लेकिन फिर भी साफ सफाई की अच्छी आदतें तो डालनी ही पड़ेंगी और ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी जिन व्यक्तियों को संक्रमण होने की अगर कहीं से भी ऐसा संदेह है। और दूसरा, हमारी सरकारों को पहले से सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति ज्यादा ना फैले, क्योंकि देखते हैं ना, देखिए किसी भी महामारी में, चाहे 1918 में स्पेनिश फ्लू फैली हो या अभी कोरोना काल में हम और आप लोगों ने, जो डरा सो मरा, मतलब डर और एक कहते हैं ना कि फेक न्यूज और इन्फोडेमिक की दुनिया में हम रह रहे, इतनी ज्यादा चीजें एकदम से वायरल हो जाती है कि आदमी बुरी तरह से डरने लगता है। तो अभी भी स्थितियां पूरी तरह से कंट्रोल में है और ये एक प्रकार से ऐसी बीमारी है जो बेसिकली जंतुओं में पाई जाती थी, मंकी में, और वहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों में ये देखी गई थी, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट में, एशियन साउथ एशिया में नहीं पाई जाती थी। लेकिन अब चूंकि लोग आ रहे हैं और वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं से मेरी आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोगों से लड़ने वाली जो मेरी आपकी शक्ति है, वो सीधे सीधे प्रभावित होती है। और जब भी हमारी आपकी रोगों से लड़ने वाली क्षमता प्रभावित होगी तो सीधी सी बात है बहुत सारी बीमारियां हमें और आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेंगी। और ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, ऐसा भी है। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। डॉक्टर अभिषेक अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अभिषेक जी, सोती साहब ने और द्विवेदी जी ने काफी अहम जानकारियां दी, काफी अहम चीजें बताई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये समस्या क्या है, हम इसे मंकी पॉक्स क्यों कह रहे हैं, होने का कारण क्या है, बचाव क्या है, पहले क्या तैयारी करें हम? सर देखिए, मुख्यतः तो आपको पता ही है, ये पहले जो कि मंकीज में देखी गई थी, इससे इसका नाम मंकी पॉक्स था। आप लोगों ने ऑलरेडी जानकारी दे दी, 1958 में रिपब्लिक में कांगो में पहला केस पाया गया था। और अब ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखे जाने लगे। ह्यूमन ट्रांसमिशन पहले एक्सीडेंटल बोले जाते थे, लेकिन अब क्योंकि केसेस आ रहे हैं इसलिए इसमें सीवियरिटी भी कई डिफरेंट प्रकार की देखी जा रही है, इसमें सरासर बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि ह्यूमन में अभी तक हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और इसकी क्या इसका कॉम्प्लिकेशन होंगे वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जो सामने सिम्टम्स अभी उभर के आ रहे हैं वो पेशेंट्स आ रहे हैं हाई ग्रेड फीवर के फॉर्म में। अच्छा। उनको गांठें पड़ जाती हैं, उनको कई बार गला खराब मिलता है, किसी को सांस लेने में हल्की दिक्कत आ रही है, स्किन रैशेज उसमें एक टिपिकल टाइप के आ रहे हैं जो कि आपके ओरल म्यूकोसा में भी यानी मुंह में भी पाए जा सकते हैं और चेहरे पे निकल सकते हैं और एनल यानी निचले भाग पे भी आपके एनल रीजन में भी पाए जा सकते हैं। अच्छा। और ये हाँ, और ये शुरुआत में तो कई केसेस माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, कुछ पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं जिसमें छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, धुंधला पड़ने की दिक्कत, झटके आना, बेहोशी हो जाना और अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाना, ये अधिक उन लोगों में है जिनके अंदर गतिरोधक क्षमता कम है, जैसे HIV पेशेंट हो गए, डायबिटीज के पेशेंट हो गए जिनको कीमोथेरेपी चल रही है ना, इस प्रकार के पेशेंट में ये और या बहुत ज्यादा मैलनरिश्ड है, खाते पीते नहीं है, कमजोर है, ऐसे या वृद्ध बहुत लोग हैं, उनमें इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत अधिक है। बचाव प्राथमिक तौर पे ये है कि हमें दूरी बनाए रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सेफ हाइजीन प्रैक्टिसेस का पालन करना है जिसमें हमें अपने मुंह को कवर करके चलना, जो कोविड काल में हमने ऑलरेडी करना चालू कर दिया है। अच्छा। मंकी पॉक्स में भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन देखा जा रहा है, तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से फेस और नोज को अगर आप कवर करते हैं तो इफेक्टिवली, मतलब मास्क को पहने रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो बहुत जरूरी है, जहाँ पे हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस के बारे में जोर दोबारा दिया जा रहा है, WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी चालू करी है और इसलिए हमें बहुत सतर्क होना है, हमें अपने मुंह और नाक को प्रोटेक्ट करना मास्क के द्वारा, और इसके अलावा हमें अपने हाथों को साफ रखना है पीरियोडिकली,
सिंपल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करना है जिससे हम अपने हाथों को साफ करें। अगर कोई पेशेंट इस प्रकार का संदिग्ध रहता है तो उसको तुरंत आइसोलेट करना है 21 दिनों तक। यही अभी भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है, 21 दिनों तक उसको आइसोलेट करना जरूरी है या तब तक जब तक उसके सिम्टम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अच्छा, और जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं कई प्रकार उसमें सारे सिम्टम नहीं दिखते हैं, जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए, सारे सिम्टम्स कई पेशेंट्स में नहीं दिखते हैं, क्लासिकल रैशेस नहीं दिखते हैं, लेकिन ये पेशेंट भी इन्फेक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखिए। जस्ट लाइक कोविड, क्योंकि कोविड में भी कई पेशेंट माइल्ड होते थे फिर भी वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देते थे, और जो व्यक्ति जो गंभीर रूप से बहुत ज्यादा इल होते थे या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते थे उनको लेटर कॉम्प्लिकेशन होते थे, कई लोगों की मृत्यु भी हुई। तो मंकी पॉक्स में अभी हमारे पास ये डेटा सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस का भी हालांकि नहीं मिला है, और इसमें दवाओं का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं देखा गया, कई दवाओं का ट्रायल फेज में ही इसका भी यूज की जा रही है, कोई एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, और जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बचाव के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप बचाव करिए, इस प्रकार से आप बच सकते हैं बीमारी से और डेफिनेटली हम फैलने से रोक सकते हैं। जो गलती कई बार कई देशों ने कर दी कोविड के टाइम में, मंकी पॉक्स भी एक वायरल इलनेस है, तो हमें एक जुट होके एक बिल्कुल सही समय है ये एक्ट करने का, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। भारत सरकार ऑलरेडी कई तरीके की गाइडलाइन जारी कर रही है, सोशल मीडिया के फॉर्म में और भी तरीके की पब्लिक स्पेसेस में भी अवेयरनेस के पोस्टर लगा रही है ताकि लोगों को ज्यादा जागरूक करें। इसके अलावा अगर ऐसे केसेस ज्यादा आने लगते हैं तो स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि आवागमन जिस देशों से ये ज्यादा आ रही है वहाँ पे रोक लगा देनी चाहिए ताकि हम लोग अपने देश के नागरिकों का बचाव कर पाए। ठीक है सर। और उसके बाद जो इस प्रकार के लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाए। ठीक है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है वो ज्यादा उससे ज्यादा पेशेंट संक्रमित कर सकता है अपने गंदे कपड़ों या जो भी रोजमर्रा की वस्तुओं के द्वारा, तो ऐसे लोगों के कपड़े या वस्तुएं तुरंत अलग कर देनी चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। इमरान लतीफ हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से हैं, दिल्ली में केस निकला है। इमरान भाई, पूरे कोविड के दौरान आप लोगों ने कहा था कि दिल्ली सरकार जिस मॉडल पे काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को उस मॉडल को अपनाना चाहिए। मंकी पॉक्स के केसेस आपके यहाँ निकले हैं, आप लोगों ने कौन सा मॉडल बनाया है और क्या बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को? दिवाकर जी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से कि इस चीज़ को ऐसे तैयार करो ताकि इस समस्या से लड़ा जा सके। देखिए नितिन भाई, जिस इस तरह की जो भी बीमारियां आती है उसमें सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को और सभी संगठनों को, देश के एक एक नागरिक को मिलकर ऐसी समस्याओं से लड़ना होता है, और काफी हद तक इस तरह का मॉडल हम लोगों ने कोविड के टाइम पे भी दिखाया कि राजनीति को पीछे छोड़ा और इस समस्या से लड़ने के मामले में सब लोगों ने एक होकर समस्याओं का सामना किया और काफी हद तक हम लोग कोविड से लड़ने में कामयाब रहे। जहां तक बात मंकी पॉक्स की बात है तो अभी प्राइमरी जानकारियां आना शुरू हुई हैं, अभी इनिशियल स्टेज में एक आध केसेस आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अप्रैल माह से ही लगातार जो है मंकी पॉक्स को लेकर गंभीर रही है। हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी करके रखी थी कि जहां जहां एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली स्टेट के अंदर, जहां जहां विदेशों से लोग आ सकते हैं जिन पॉइंट्स से, वहां वहां पर उनकी स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है, और जो एक केस सामने आया है वो उसी स्क्रीनिंग के तहत जो है डायग्नोज हुआ है, और स्क्रीनिंग के बाद जो है वो क्वारंटाइन करने का इंतजाम किया गया है, और यही पॉलिसी हम लोग अपना रहे हैं कि कहीं पिछली बार थोड़ा सा जो अनियमितता आई थी वो इसी नाते आई थी कि विदेशों से जो लोग आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा देरी की थी जिसकी वजह से चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर गईं। इस बार वो गलती हम नहीं कर रहे हैं, इस बार हमने काफी पहले से ही स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है, और जिसके जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन अभी तक फैल नहीं पाया, और हमको पूरी उम्मीद है इसी तरीके से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे और इसका विकराल रूप कदापि धारण नहीं करने देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन देशों में इस तरह के इन्फेक्शंस हैं या वहां होने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, और बिना स्क्रीनिंग किए, बिना डायग्नोसिस किए, बिना जांच किए उनको किसी भी रूप में अंदर आने की अनुमति ना दी जाए, उनको आम लोगों के साथ मिलने की अनुमति ना दी जाए। स्क्रीनिंग के बाद अगर रिपोर्ट्स निगेटिव आती हैं तो उनको
बिल्कुल अलाउ किया जाना चाहिए, लेकिन अगर जब तक संशय की स्थिति बनी रहती है तब तक उनको किसी भी रूप में हम आम लोगों के साथ उनको मिक्स नहीं कर सकते हैं, उनको क्वारंटाइन रखना होगा। और यही पॉलिसी पे दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से। दिवाकर जी, आप लोग लगातार संचारी रोग अभियान जैसे कार्यक्रम जो है वो चलाया करते हैं, एक नई समस्या आप लोगों के सामने और हम सबके सामने खड़ी है, देश के हर व्यक्ति के सामने खड़ी है, और लगातार इसके जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हम कितना अपने आप को सुरक्षित माने उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने कितनी तैयारी की हुई है? नितिन जी, इस संबंध में हमको यही कहना है कि हमें अपने देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स और समाज सेवी और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है सभी लोग मिल करके उस मुहिम को कैसे निगेटिव किया जाए कि समस्या बढ़े ना, इस पे ध्यान दिया जाता है। पिछली बार आपने देखा है कोविड में एक बड़ी विश्व की महामारी रही, उसमें भी भारत देश जो है थोड़ा सा सजग प्रहरी रहा, लेकिन कुछ घटनाएं बढ़ी, लेकिन अधिकतर विश्व की जितनी घटनाएं, विश्व के अन्य देशों में जितनी मात्रा में कैजुअलिटीज हुई, उस हिसाब से जो हमारी आबादी है उस हिसाब से हम लोग विश्व में अपने को संरक्षित और सुरक्षित रखने में एक तरह से कामयाब रहे। जो संसाधन चाहिए थोड़ा सा लेट नहीं हुआ, हमारे वैज्ञानिक तुरंत वैक्सीन बना लिए और तुरंत आइसोलेशन सेंटर कोविड सेंटर के नाम से बृहद रूप से ऑक्सीजन की जो कमी, ऑक्सीजन प्लांट्स, ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। लेकिन वो महामारी अनजानी थी, वो पहले नहीं डायग्नोस हुई थी। अब उसमें तरह तरह के तर्क रहे, कहीं से जैविक है, कहीं से कुछ है, कहीं से कुछ है, लेकिन मंकी पॉक्स के बारे में जो हमारे डॉक्टर्स लोग बताए हैं, सब 1950 से ही इसके बारे में खोज हो गई है। और इसका इलाज एक बार बड़ी माता के नाम से, छोटी माता के नाम से हमारे देश में एक महामारी आई थी जिसपे हम लोगों ने काबू पा लिया, और डॉक्टर्स के कहने अनुसार जो हमारे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं उसी तरह का यह रूप है। इस तरह के धब्बे चेहरे पर लोगों के हो जाते थे जो खत्म नहीं होते, शरीर हो जाते थे खत्म नहीं होते, जो बड़ी माताजी हम लोग कहते थे, तो उसका हम लोगों के पास भी इलाज यही था, आइसोलेट होना। उस समय हम लोग बचपन में थे, देखते थे उस घर को नीम के पत्ती से धोना, गाय के गोबर से, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन एंटीबायोटिक थे, एंटीवायरस थे, उस हिसाब से हम लोग रखते थे। तो हमारे यहाँ पद्धति जो है बहुत पुरानी है उपचार की, आयुर्वेद हमारे यहाँ तब भी था, तो उससे हम लोग कंट्रोल पा लिए थे। उस समय भी हम लोग वैक्सीन आ गई, सारी चीजें आ गई जिसपे हम लोग काफी कंट्रोल पा गए, और बाद में इनाम तक घोषित हुआ, कहीं मिले तो उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरह से वो महामारी पूरी खत्म हो गई। कभी सुनने में नहीं आता है, आता है तो इस बार जो सुनने में थोड़ा सा आ रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, आपने कहा यह विदेशों का रोग है, हम लोग जैसे दिल्ली के सेंटर हैं, जितने भी बाहरी सेंटर हैं जो आने के आवागमन के हैं, सरकार हमारी सचेत हो गई है और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निरंतर तैयारी बैठक कर ली हैं कि इस तरह की आपदाएं जो ग्लोबल आज घोषित हुआ इमरजेंसी, इस पर उनकी पूरी बैठक, पूरी तैयारी, डॉक्टर साथ, वैज्ञानिक साथ, जो भी संसाधन है सबको त्वरित रूप से इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर लिया गया है कि हम इस पे कैसे कंट्रोल पाए। और जैसे हम कोविड में वैक्सीनेशन कर लिए, अपने आत्मबल पे कर लिए, वैसे इसमें भी जो समुचित इलाज होगा, समुचित वैक्सीनेशन जो होगा, उसको हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, अपने प्रदेश की सरकार के सहयोग से, हम लोग केंद्र की सरकार के सहयोग से इस पे पूरा काबू पाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारे देश में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप डॉक्टर्स ने कहा कि इम्यूनिटी पावर और विल पावर, इसको डेवलप करना, तो हम लोग अपने आप इस बात का प्रचार करेंगे कि विल पावर डेवलप किया जाए, इम्यूनिटी पावर डेवलप किया जाए, जो हाइजीन है, इस तरह की बातें जो आई हैं, थोड़ा दूरी बना के रखा जाए, क्योंकि हम लोग कोविड वाले में इस तरह से प्रयोग कर लिए हैं, मास्क लगाना सभी लोग लगा दिए थे, इस समय थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, लेकिन आज भी मास्क लगाना, मैं सिविल हॉस्पिटल गया था आज संजोग से कुछ काम से, श्याम प्रकाश मुखर्जी जी, तो वहाँ पे एक तरह से तैयारी हो गई कि सारे जितने हॉस्पिटल में लोग आए, जितने पेशेंट से या डॉक्टर्स थे, सारे लोग मास्क के साथ रहे, डॉक्टर्स भी अलाउ कर दे भाई बिना मास्क के मत आइए, तो अपने आप जो लोग नहीं लेके गए थे, गेट पे ही मास्क मिल रहा था, सारे लोग मास्क का उपयोग किए। तो ऐसी जगहों पे हम, भीड़ भाड़ की जगहों पे मास्क का उपयोग करना शुरू कर दें, मेरी भी यही सलाह है कि अगर इस मास्क ही इसका उपचार है, पहला उपचार, तो पहला हम लोग मास्क लगा लें। और मेरे पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, जहाँ तक मेरी भी है, उनसे अनुग्रह विनती है, अगर मास्क लगाना है इसका उपचार है, तो हम लोग मास्क लगाना उपचार कर लें, पॉकेट में रखे रहें, जैसे कोई भीड़ में जाते हैं तो तुरंत उसका उपयोग कर लें। और हमें अपने
माननीय मुख्यमंत्री जी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे, उनकी पूरी टीम पे, भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को पूरा भरोसा है कि हम लोग इस महामारी का रूप जो नहीं लिया, अभी शुरुआत हुआ, इसको महामारी नहीं बनने देंगे। हम लोग इस पे कंट्रोल पा लेंगे और तुरंत इसका उपचार, समुचित उपचार, आइसोलेशन से लेके जो भी इसकी व्यवस्था, उसको सरकार हमारी पूरी तत्परता के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने वैज्ञानिक और डॉक्टरों के भरोसे, सामाजिक कार्यकर्ताओं के भरोसे, आप जैसे मीडिया के प्रचार माध्यम के भरोसे इसको पूरी तरह से कामयाबी पा लेगी, काबू कर लेगी। ठीक है सर। बहुत से लोग इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सोती साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बहुत ही अहम सवाल है और सवाल पूछा ये जा रहा है कि मंकी पॉक्स से खतरा किसे है, क्या कोई एज बाउंडेशन है? क्योंकि कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी वेव में देखा गया कि पहले बताया गया कि बुजुर्गों में, फिर युवाओं में, फिर बच्चों में, तो क्या मंकी पॉक्स में भी कोई एज बाउंडेशन है? कुछ ऐसी उम्र के लोग हैं जिनको ज़्यादा ये इफेक्टिव कर सकता है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर इस वक्त। उसमें कोई एज का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलना है। चिंता का बात यह है कि कहीं भी जो भी कोई अगर वायरस एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है, वो कम्युनिटी स्प्रेड का जो है वो जगह ले ले, क्योंकि जब कम्युनिटी स्प्रेड हो जाती है तब आप देखते हैं कि कितनी तेजी से जो है वायरस जो है पूरी कम्युनिटी में फैलने लगता है और बहुत से लोग प्रभावित होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता इस समय डॉक्टर्स की, सरकार के और सबके सामने ये है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने से इसको बचाया जाए। तो अभी जैसे कि आपने देखा था कोरोना केस में आपके पास जो है आरटीपीसीआर टेस्ट आ गया था, एडवांस कर रहे थे कुछ दवाइयां और फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी बहुत जल्दी आ गया था। अभी यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर भी बता रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा नहीं, प्रिकॉशन बेस्ड बस है ऐसी, उसको रोकथाम जो आसपास जो उसके इंफेक्शन फैल रहे हैं उसको बचाने के काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस होगा, बहुत से स्टेप्स होते हैं उसकी वजह से। तो पहला हम लोग का प्राय ये है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोग इस बात को देख चुके हैं कि कोरोना के केस में कि वायरस का किस तरीके से स्प्रेडिंग होती है, तो तीन चीजें जो थी आप हमेशा की तरह देखना है, ध्यान रखना है कि आपको सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क लगाना है और 2 मीटर की जो दूरी है, जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करना है। अगर हम लोग इतना कर ले जाएंगे तो इसको कम्युनिटी स्प्रेड से बचा ले जाएंगे। अभी एज का कोई फैक्टर सामने नहीं आया है। ठीक है, मैं अभिषेक अरुण साहब के पास चलूंगा। अभिषेक जी, कई सारे सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं लगातार और मैं उन सवालों को लिख रहा हूँ एक एक करके आपसे। अगर मैं सारे सवालों को एक ही में करके पूछूं तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या है, वो ये कह रहे हैं कि कितने दिनों में इसका लक्षण जो है वो पता चल जाएगा, कुछ ये भी कह रहे हैं कि जब दवा नहीं तो इलाज कैसे होगा, और अगर हम किसी इलाज को अपना भी रहे हैं तो इलाज के दौरान कौन सी सावधानियां बरतें, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त ये पूछ रहे हैं कि इसका टेस्ट कैसे कराया जाए, क्या तरीका है टेस्ट वेस्ट कराने का? देखिए, एक एक करके मैं जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब इसकी पहली खोज भी हुई थी तब भी इसका इलाज नहीं था और इसका इलाज पे वर्क बहुत ज्यादा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसकी केसेस बड़े कम थे। अच्छा। और ह्यूमन जो ट्रांसमिशन था बड़ा रेयर था पहले, जब केसेस दिखे भी तो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थे, लेकिन अब WHO ने इसलिए वार्निंग दी क्योंकि उन एरिया के बाहर ये दिख रहे हैं जहाँ ये रोजमर्रा के फॉर्म में पाए जाते थे। सेंट्रल अफ्रीका में ये बीमारी एंडेमिक है, वहाँ ये बीमारी कई ग्रुप्स में पाई जाती है और बार बार अगर होती है तो उन्होंने अपनी बॉडी की एक नेचुरल इम्यूनिटी उस अगेंस्ट वायरस से बना दी। लेकिन हम लोग जो अदर देशों में रहते हैं, हम लोग के लिए नई बीमारी है, तो उसमें बहुत अलग फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, जहां उनमें सीवियरिटी अलग प्रकार की हो सकती है अलग देश के लोगों में। तो इसकी कोई स्टडी नहीं है, इससे जागरूकता फैलाई जा रही है। बचे हुए ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट यूजुअली सिम्टोमेटिक होता है। इसमें अगर पेशेंट को बहुत बुखार आता है तो हम बुखार की दवाएं देते हैं। अच्छा। और अगर पेशेंट को खुजली होती है तो उसके लिए हम खुजली की दवाएं यूज करते हैं, और पेशेंट को कि अगर उसके जो रैशेज आते हैं उनको सिंपल नॉर्मल सलाइन या और जो हमारे पास टॉपिकल ऑइंटमेंट्स आते हैं उसको लगाते हैं, जो कि रिकमेंडेड है इस केस में। इसके अलावा जो मेन पार्ट है ट्रीटमेंट का, एंटीवायरल एजेंट का, अभी भी कोई भी एंटीवायरल एजेंट मंकी पॉक्स में रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। जो स्टडीज ने दिखाया है वो ये दिखाया है कि जितने केसेस ऑफ एंटीवायरल जो चले हैं 5% लोगों में ही,
ग्लोबली जितने पाए गए हैं केवल 5% लोगों में एंटीवायरल यूज की गई है और किसी में भी कोई मोर्टालिटी यानी मतलब जान की हानि हुई नहीं है किसी भी पेशेंट में। लेकिन अभी तक कोई अप्रूव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है इसके लिए, डेफिनेट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं। घबराने की बात इतनी नहीं है क्योंकि जो बीमारी की सीवियरिटी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ज्यादातर लोगों में सीवियर नहीं होगी, लेकिन जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है जिसमें गतिरोधक क्षमता कम है उनमें परेशान होने की ज्यादा जरूरत है। उनमें कॉम्प्लिकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे मैंने बताया था, और ये कॉम्प्लिकेशन दिखने पे आप तुरंत अस्पताल जाएं, अपने आप को आइसोलेट करें। अगर अगर सर की कोई दिक्कत हो रही है अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा ये हेल्प पोर्टल पे जो दिए नए नंबर हैं यूपी सरकार द्वारा उस पर तुरंत कांटेक्ट करें, आपकी सहायता करी जाएगी। जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच आरटीपीसीआर के द्वारा कंफर्मेशन से होती है, एक डीएनए वायरस है तो डीएनए वायरस की सीक्वेंसिंग करी जाती है पीसीआर मेथड से, और इसके जो सैंपल्स होते हैं घाव या नीजल स्वैब या मुंह के द्वारा अंदर जो घाव होते हैं उसके या अगर त्वचा में जो घाव होते हैं उनके जो स्वैब लेके हम भेजते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और वहां से डायरेक्ट जांच कंफर्म होके आ जा रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टेट लेवल लैबोरेटरी सेटअप हो रही है जहाँ पे आप पीसीआर की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और वहाँ पे ये टेस्ट भेजे सकते हैं, जैसे एसजीपीआई केजीएमयू, बहुत जल्दी आपको ये सुविधा वहाँ भी मिलेगी और वहाँ पे आप अपने ये सैंपल दे सकते हैं और कंफर्मेशन आ सकता है। ठीक है, ठीक, मैं तो सुती साहब आपके पास आऊँगा वापस, एक दो सवाल आपसे भी ले लूँ क्योंकि अभी इम्यूनिटी की बात हो रही थी और इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ जो अभिभावक हैं उन्होंने भी ऑनलाइन सवाल पूछा है, वो ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो क्या बच्चों में भी इसका प्रकोप हो सकता है? एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या कोविड के जैसे क्या दोबारा भी ये समस्या हो सकती है किसी को? देखिए, जहाँ तक 12 साल की उम्र तक होती है तो जो बच्चों की जो त्वचा होती है वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, इसलिए वायरल का जो अटैक होता है वो जैसे कि ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है वो नहीं हो पाता। और दूसरा आप देखें ये संक्रामक है जो कि देखा जा रहा है जो कि बंदरों से संबंधित है, तो इस तरीके का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी इसमें देखने को मिल रहा है जैसा कि एड्स के अंदर देखने को मिला है। तो बच्चों को लिए कोई घबराने की बात नहीं है, वो फिजिकली आपको लगता है कि उनके हाथ पर उतने ताकतवर नहीं होते जिससे आम आदमी के वयस्क होते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो काफी है। दूसरी बात, अगर आप करें तो इस वायरस के अंदर आपको मिल रहा है वेरियोला और वैक्टीमिया, ये दोनों चेचक से संबंधित है, और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होते ही बीसीजी का टीका लगता है, तो बीसीजी का टीका लगता है वो चेचक में उसका एक पार्ट होता है, वो उसको लड़ने की इम्यूनिटी देता है, तो इसके बच्चों को कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन जो सामने स्टडीज आ रही है उसे ये लग रहा है कि ये इन्फेक्शन जो है वो कहीं से लग रहा है जिसकी वजह से ये होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमको इन्फेक्शन से बचाना है, उसके वही तीन तरीके हैं जो हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी थी और उसमें जीते थे, कि साहब आपको सैनिटाइज यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बस प्रभु से ये प्रार्थना करनी की कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ना ले। ठीक है सर। हाँ, सुशील द्विवेदी जी, चैनल के माध्यम से आप क्या जानकारी देना चाहेंगे लोगों को और किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि वो इन समस्याओं से लड़ने के लिए किस तरह से खुद को तैयार करें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यही गुजारिश है कि वो डरे नहीं, क्योंकि मंकी पॉक्स वायरस एक जाना पहचाना वायरस है, इसके पहले अटैक आ चुके हैं और अलग अलग कम्युनिटी में, विशेषकर इसके दो वेरियंट देखे गए हैं, एक मध्य अफ्रीका में और एक वेस्टर्न अफ्रीका में, और इसके ऊपर स्टडी भी काफ़ी की जा चुकी है, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं से पॉक्स वीडी फैमिली से मिलता हुआ वायरस है, और जिससे जैसे हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया वैक्सीन के माध्यम से, ये विज्ञान की देन थी। ऐसे ही मंकी पॉक्स के लिए ये देखा जा रहा है, अभी इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, अलग अलग प्रयोगशालाएं इस पर काम कर रही हैं जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी काफ़ी आगे इस पर काम देख रही है, तो उनके जो अध्ययन बता रहे हैं कि ऐसी कुछ वैक्सीन है हमारे पास जो हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने
जो स्मॉल पॉक्स के समय उपयोग की थी तो उसी से मिलती जुलती वैक्सीन अवेलेबल है और उनका उपयोग करके इस बीमारी से बड़े ही अच्छे से लड़ा जा सकता है। बस बशर्ते अब देखिए हमें और आपको तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, साफ सफाई की अच्छी आदतें, वो तो कोरोना का दौर भी चल रहा है वो तो अपनानी ही पड़ेंगी, हाथ धोने ही पड़ेंगे, और जो HIV इन्फेक्शन के रास्ते हैं चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या फिर एक प्रकार से अनप्रोटेक्टिव किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, इस प्रकार के जो ढंग हैं तो उनसे एक वो तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं कहलाती, तो उनसे तो दूर रहना ही पड़ेगा। और विशेषकर आज के दौर में जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गई या फिर मंकी हुए, इनसे अपनी दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो इनमें तो बड़े आसानी से रहते हैं और उनको नहीं प्रभावित कर रहे, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं और जैसे कि अगर कोई मान लीजिए इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो जैसे डायबिटिक है या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ऐसी दवाइयाँ खा रहे होंगे जो उसकी इम्यून शक्ति को कमज़ोर करेंगी और जिससे कि वो जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो सक्सेसफुल रहे, या डायबिटिक है तो उसकी इम्यूनिटी एक हेल्दी व्यक्ति से कम रहेगी। तो कुल मिला के ऐसे व्यक्तियों को अपना विशेष ध्यान रखना है, छोटे बच्चों को जिनकी उम्र लगभग 8 साल 9 साल के आसपास है उनको अपना ध्यान रखना है, और बुजुर्ग लोगों को जिनकी उम्र 55-60 साल के ऊपर है उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जीवन शैली है, जैसे कि हमारे पहले दिवाकर सर ने बताया था कि हमारे आपके घरों के पास एक नीम का पेड़ होता है, इसे हम स्मॉल विलेज फार्मेसी कहते थे, इसके हर चीज का उपयोग किया जा सकता है, इसकी पत्तियों को लेके आप पानी में डालिए और गर्म पानी में उसको डले रहने दीजिए 4-6 घंटे, इसके बाद आप नहाइए, गाँव में इसका बड़ा अच्छा उपयोग किया जाता है, इसकी छाल से स्किन संबंधी बीमारियां दूर होती है, फोड़े फुंसियां होती है उसकी छाल से उसके रोग दूर किए जाते हैं, इसके काढ़ा का उपयोग किया जाता है, इसकी निबोली से भी अलग अलग औषधियां बनाई जाती हैं। तो कुल मिला के हमारे आसपास नीम के रूप में स्मॉल विलेज फार्मेसी प्लांट है, हमारे आसपास दालचीनी या फिर काली मिर्च या फिर लौंग इलायची ये सारे जो भी हम लोग किचन के जो प्रोडक्ट उपयोग करते थे जो काढ़ा या जो भी जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, चाहे मैं गोल्डन मिल्क के रूप में हल्दी पीता रहा हूँ तो वो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है, चाहे गिलोय का सेवन कर रहा हूं तो वो मेरा ब्लड प्यूरिफाई करता है, खून को साफ करता है। तो कुल मिला के ये जो औषधीय पौधे हैं जिसे चरक ऋषि अपनी चरक ऋषि संहिता में वर्णन कर गए हैं, तो उन्हीं हमें अपनी पुरानी संस्कृतियों की तरफ फिर से लौटना पड़ेगा और अपने एक प्रकार का अपने आप को संयमित जीवन शैली के साथ रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, और अपना एक वजूद अगर बनाए रखना है तो हमें प्रकृति को भी बचाना पड़ेगा। ठीक 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 ठीक। हाँ दिवाकर जी क्या कह रहे हैं? इमरान भाई इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। हम कह रहे हैं आपकी बातों से हम सहमत होते हुए कह रहे हैं कि इसमें हम लोग सफाई जो मूल मंत्र है सफाई, 2 गज दूरी और जो सैनिटाइजर मास्क, कोविड प्रोटोकॉल नहीं, ये हम अपनी दिनचर्या में ले लें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कह सकते हैं हम लोग इसको, दिनचर्या में ले लें तो जो भी आने वाले संक्रामक बीमारियां हैं तरह तरह की होती हैं इन सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। स्वच्छ पेयजल पे जो हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, नितिन जी आपको बताएंगे, पेयजल से वाटर बॉर्न डिजीज करीब करीब कंट्रोल हो गया, जैसे हर घर में RO लग गया, सारी बातें हो गई। इस समय हर गांव में हर न्याय पंचायत में सरकार की जो मंशा है इसमें मेन जल जीवन मिशन के तरह से बुंदेलखंड को पानी दिया गया, स्वच्छ पानी देने की पूरी व्यवस्था चल रही है, हर जगह हर इलाके में हर न्याय पंचायत में वाटर टैंक, बड़े बड़े वाटर टैंक बने, टंकी जिसको पानी टंकी कहते हैं उससे हर गाँव में सप्लाई होती है, उसके कार्य हर जनपदों में चल रहे हैं, सरकार पूरी तन्मयता से इस पे काम कर रही है। कोई भी न्याय पंचायत ने जिसपे ग्लोबल तरीके से जैसे जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे काम कराया जा रहा है, इसमें कहीं कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से हमारी सरकार, हम लोग और आपके संचार के माध्यम से मेन तो आप लोग जो इसमें प्रसार प्रसार मेन होता है जागरूकता लाना, जिसके सचक प्रहरी आप लोग हैं, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन लोगों के माध्यम से हम लोग इसको जितना प्रचार प्रसार कर लेंगे हम लोग इस रोग पे जो महामारी नहीं बनने देंगे इसको हम लोग रोक लेंगे। ये हमारी सरकार और हम लोग पूरी तरह से इस पे काम करेंगे, देशवासियों को प्रदेशवासियों किसी तरह के निराशाजनक
अवसाद में नहीं जाने की जरूरत है, इस पर शंका करने की जरूरत नहीं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। हम लोग, हमारी सरकार और हम लोग सारे समाज सेवी लोग इसके सजग प्रहरी हैं। देश का हर बच्चा अपना बच्चा है, हर बुजुर्ग अपना बुजुर्ग है, हर जवान अपना जवान है, जिसके प्रति सिंपैथी एक भाव इंडिया में होती है और देशों में नहीं है। सिंपैथी जैसे लाख कोरोना था, सारी बात थी, तब भी लोग कंधे पे नहीं ले जाते थे, गाड़ी जाते, लेकिन जाते जरूर थे, प्रिकॉशन लेके जाते थे। सारे के बाद एक सिंपैथी होती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ सजग प्रहरी के रूप में खड़े हैं, आपको डरने की कोई देशवासियों की जरूरत नहीं है, प्रदेशवासियों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पे तुरंत काबू पा लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे होने की संभावना छीण है। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई, कोई सुझाव, कोई सलाह? पूरी तरीके से इस बीमारी की जहां तक बात है, तो पहली बात, कोई बहुत विशेष गंभीर बीमारी नहीं है। इस पूरे डिस्कशन के अंदर बात निकल कर आई, सारे एक्सपर्ट्स ने कमोबेश वही बात कही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल कर आई है वो ये है कि इस बीमारी का इलाज से ज्यादा अगर कोई जरूरत है तो वो प्रिकॉशन की सावधानियां बरतने की जरूरत है, और वो सावधानियां जिससे इस बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेड ना होने पाए, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से गंभीर हैं। उसके लिए सबसे जरूरी बात है जो मैंने पहले भी कही कि स्क्रीनिंग करना जरूरी है, और स्क्रीनिंग के आधार पे किसको आइसोलेट करना है और किसको अलाउ करना है आगे, वो इस पे काम करना बेहद जरूरी है। और इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी चूक किसी भी स्तर से नहीं होने वाली है, ना तो सरकार के स्तर से कोई चूक होगी, ना तो प्रशासनिक स्तर से कोई चूक होने वाली है, और ना ही आम जनमानस के स्तर से कोई चूक होने वाली, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी से बाहर निकल कर आए हैं। इस महामारी ने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है, और निश्चित रूप से इस बार एक मजबूत देश के रूप में हम लोग अपने आप को दिखाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने का काम करेंगे। ये तो बहुत छोटी बीमारी है, निश्चित रूप से इससे हम लोग पार पा लेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही अहम जानकारियाँ आप लोगों ने दी हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से साफ तौर पर इस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है, समस्या को लेकर के चर्चा हो रही है, तो आज की इस डिबेट के जरिए हमने ये भी जाना कि आखिर इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, इस समस्या के लक्षण क्या हैं, और लक्षण के साथ साथ ये भी जानने की हमने कोशिश की कि अगर ये समस्या कहीं पर होती भी है तो क्या उसके बाद किया जाए। फिलहाल इस पूरे डिस्कशन से ये ज़रूर पता चला है कि ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम इसको लेकर के पहले से ही तैयारी रखेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो हम इस समस्या से भी जीत जाएंगे कोविड के तरीके। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।